इसराइल में है, वो फंसा हुआ है। इजराइल चला गया था। अच्छा तो वहां क्या, किस लिए चला गया था? पढ़ाई हो गई हाँ, पूरी तीन क्या? 3 महीने का वहाँ था रिसर्च। 3 महीने के सर्विस थे? अच्छा रिसर्च रिसर्च। रिसर्च चलिए तो रिसर्च का ये भी तो एक पार्ट है, क्योंकि हाँ, रिसर्च का पार्ट है। तो वहां अंतरराष्ट्रीय प्रॉब्लम तो खड़ा हो ही गया है। हाँ, अभी तक कोई देश अपने नागरिकों को निकालने की व्यवस्था नहीं किया। हाँ क्योंकि वहां पर तो हवाई पट्टी भी कम ही होगी जो सुरक्षित होगी। दो हवाई पट्टी है वहां पे। क्योंकि छोटा सा देश है। अच्छा अमेरिका के भी नागरिक वहां फंसे हैं और कुछ मर भी गए। ब्रिटेन को बंधक बनाया है। बहुत क्रूर चेहरा दिखा, इस्लाम का वास्तविक चेहरा दिखा। क्रूर क्या, वास्तविक चेहरा, वो क्रूर चेहरा तो है ही उनका। हाँ, क्रूर तो है ही है, तो आखिरकार ये तो इस्लाम का मतलब है आतंकवाद है। हाँ उसको उसका सिनोनिमस समझिए आप। हाँ जब नेता लोग भी बोलते हैं ना कि आतंकवाद को खत्म करना है, तो उनका छिपा हुआ इरादा यही होता है कि इस्लाम को खत्म करना है। हाँ तो अभी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, क्योंकि अंदर से हमास को मदद कर रहा है शायद ईरान। हाँ वो तो खुल के कर रहा है, जश्न वश्न मना रहा था, वो तो खुल के समर्थन करता है। जितने मुस्लिम देश हैं, पाकिस्तान है, वो समर्थन कर रहा है। तो जितने मुस्लिम देश हैं सब समर्थन कर रहे हैं। एक मतलब एक दो अपवाद हो सकते हैं, जैसे यूएई है, तो ये अपवाद हो सकता है क्योंकि इसका तो उसके साथ, इजराइल के साथ समझौता समझौता हुआ था, कुछ संधि वगैरह किए थे सब। और थोड़ा सा ये एडवांस है यूएई, हाँ, ये जानता है कि ये सब कट्टरपंथी से जो है हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। दुनिया के सभी लोगों को आकर्षित करना है, टूरिज्म को बढ़ाना है, व्यापार को बढ़ाना है, तो हमको इन लोग से हट कर आना पड़ेगा। इसी को अच्छा से जानता है वो, तो इसलिए उसकी पॉलिसी तो ठीक है यूएई की। हाँ, तो अब तो जो घिरे हैं, अब एक ही फ्लाइट सिर्फ वहां से उड़ रही है जो इजराइल की है, बाकी सब देश अपना अपना रोक लिए। हाँ तो उठा के लाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वहां से जो भी फंसे हैं तो उसको अपलिफ्ट किया जाएगा, जैसे थोड़ा सा मामला शांत होगा ना, तो वैसे वैसे उठा लेंगे सब। कुछ नेगोशिएशन चल रहा होगा। बताइए, अमेरिका जैसा देश अपने नागरिकों को नहीं बचाने के लिए जहाज भेज रहा है। अभी अभी भेजना थोड़ा खतरनाक होगा ना, क्योंकि इतना ज्यादा है, जो रॉकेट जो है लॉन्चिंग हो रहा है, किसी को ट्रेन को ही मार के गिरा दे। अरे, अमेरिका के पास ऐसी शक्ति है कि सारा सिस्टम ही जाम कर देता है। ये भेज दिया ताइवान में, चाइना विरोध के खड़ा था कि धमकी दिया था। हाँ लेकिन वहां भेजने के लिए भी तो चाहिए, वहां तो भेजने ही नहीं देंगे ना अभी। पहले पहले से तो कोई तैनाती है नहीं, ताइवान के पास तो तैनाती है। वहां तो अमेरिका जो है, अमेरिका की खुद जिम्मेवारी है उसको, ताइवान को डिफेंड करना, और इजराइल तो खुद ही समर्थ था, तो इसलिए यहाँ पर तो अमेरिका ने कुछ भेजा हो या नहीं होगा, भेजेगा धीरे नहीं, धीरे। उसका अमेरिका का पानी वाली जहाज 50 फाइटर को लेके लगी है कहीं। हाँ तो वो तो समुद्र में होंगे ना, हाँ तो किसी मतलब जो है, अगर दूसरे देश ये सब अटैक करेंगे ना, ईरान वगैरह, हाँ तो इसीलिए भेजा है तो उसी ईरान के को। लिए वो गए होंगे यूएसए वाले, की जो है कहीं और बड़े हमले ना हो जाए, सारे मिलके, ईरान है, इजिप्ट है,
ये सब हमला ना कर दें, क्योंकि इजराइल का तो इतिहास रहा है, एक बार 6-6 देश हमला कर दिए थे इजराइल के ऊपर। हालांकि इजराइल की जीत हुई थी, लेकिन 6-6 देश हमला कर दिए थे। तो ये लोग कर सकते हैं, मुस्लिम सब छह क्या सारे मिलके कर सकते हैं, इतने ये सब हैं 52-53 देश, ये सब सब हमला कर सकते हैं एक साथ। उस मामले में बिल्कुल एक एकजुट हो जाते हैं ये सब। लड़ने में एकजुट रहते हैं सब। लेकिन इजराइल उभर के निकलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी साइंस में वो आगे है ना, और उसको आगे रहना ही पड़ेगा। हर समय साइंस में आगे रहना उसकी मजबूरी भी है। अगर नहीं रहेगा ना तो इजराइल को मिटा दिया जाएगा, जान लीजिए। वो सदैव आगे रहेगा, लगातार उसके लोग जो खोज करते रहेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लाते रहेंगे, तो ही वो सरवाइव करेगा। जिस दिन वो ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं होगा, उस दिन मिटा दिया जाएगा। नहीं, वो सब समर्थ तो हैं। हाँ, समर्थ तो हैं अभी। खैर, वो अपने देश की बात है, जो बाहर के लोग फंसे हैं उनकी बात। हाँ, तो बाहर के लोग तो इनसे, भारत सरकार के साथ तो अच्छा ही संबंध है, नेगोशिएशन चल रहा होगा। लेकिन मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि जब तक वो रॉकेट लॉन्चिंग शांत नहीं होगा ना, तब तक अभी जल्दी से उठाने की कोशिश नहीं करेंगे सब। रॉकेट लॉन्चिंग शांत हो जाएगा, कुछ दिन ये सब लड़ेंगे भिड़ेंगे, उसके बाद जो है मामला थोड़ा ठंडा जाएगा। हमास की पिटाई होगी, ठंडा जाएंगे, बहुत सारे मरेंगे, ठंडा जाएंगे, रॉकेट लॉन्चिंग बंद हो जाएगी, तब आराम से उठाएंगे। तो अभी जहाज के ऊपर भी खतरा होता है ना, छोटा सा देश है, चारों तरफ से जो है रॉकेट लॉन्चिंग करेंगे तो टकरा जाएगा विमान से, ना मार देंगे। तो बुद्धिमानी अभी यही है कि वहीं पर, कहाँ होटल वगैरह में रुका है? नहीं, यूनिवर्सिटी का क्वार्टर। हाँ, तो यूनिवर्सिटी कुछ ज्यादा सेफ है होटल वगैरह से। आज तेल अबीब हवाई अड्डा पर एक रॉकेट गिर गया है। हाँ, वहीं से उड़ान भरती थी, इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, देखिए कल उड़ान होती है कि नहीं होती है, ये देख। 16 का इसका टिकट है अमेरिका के लिए। अच्छा, अमेरिका 16 का टिकट है, 13 का तो किया था, 13 की फ्लाइट निरस्त हो गई, वो दूसरी थी। ये तेल अबीब की, वो इजराइल की फ्लाइट है 16 को, ये उड़ान रोज भरती है। तो अभी टिकट बहुत महंगा है। हाँ, टिकट तो खैर वो सब तो, टिकट वाली प्रॉब्लम तो ज्यादा नहीं आड़े हाथ आएगी, वो तो मैनेज हो जाएगा। नहीं, बहुत ज्यादा, 3 लाख रुपया टिकट इजराइल से अमेरिका का। अच्छा, हाँ तो उसमें भी क्लास पर होगा ना, कोई इकोनॉमी क्लास है? क्लास वगैरह नहीं हो, इस समय एक ही फ्लाइट है, इसलिए टिकट ज्यादा। अच्छा, और वो पैसा यूनिवर्सिटी दे रही है। कल रात ही मैं सूचना का आदान प्रदान करके तुरंत उसको ओके किए सब, कि नहीं ठीक है, जितना का मिलता है ले, वही सब कहे कि टिकट बुक कर दो। हाँ, तो वहां से फ्लाइट जब निकलेगी तो लोग निकलेंगे बाहर। हाँ, तो अब देखिए 16 है, अभी तो यहाँ 9 है। सोलह तारीख को है फ्लाइट। हाँ, तो 16 तारीख तो बहुत दिन, तब तक तो शांत हो जाएगा इसको, तो 2 दिन में शांत करेंगे सर, 2 दिन में हमास को ठंडा कर देंगे। अभी देखिए, पहले हजारों हजारों रॉकेट छोड़ रहा था ना, अब हजारों में, हजारों से 100 में आ गया। हाँ, उससे फिर अप डाउन हो जाएगा, 2 दिन में ठंडा हो जाएगा, 2 दिन में
पिटाई होने पर ठंडे हो जाते हैं, ये सब आतंकवादी सब पिटाई की भाषा समझते हैं। बड़े कमीना होते हैं। हम महिलाओं को भी जो है अपहरण कर करके ले जा रहे थे। हाँ, ये सब इसीलिए करते हैं, ये सब जहाँ भी रहे हैं वहाँ यही करते हैं, वही करते हैं और करते ही रहेंगे। जब तक वो इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे तब तक वो वही करेंगे। इस्लाम में वही सिखाया ही क्या, तो करेंगे क्या। और हर जगह का है, ये नहीं कि एक जगह का है, सब जगह के मुस्लिम वही करते हैं, वही उनको सिखाया गया है। हाँ, तो जब तक वही सीख रहेगी, वही टीचिंग रहेगी, वही लक्ष्य रहेगा, तो वही करेंगे, उसी को शत्रु मानेंगे और उसको वैसे गाली गलौज करेंगे, वही जब करेंगे। ठीक है महाराज जी, अब तो देखें समय तो बेटे ठीक है, अभी तो है वहाँ तो यूनिवर्सिटी में तो ज्यादा सुरक्षित है। अरे भाई रैकेट तो कहीं गिर सकता है। हाँ, वो गिर तो सकता है, लेकिन अभी तो उन लोग के जो है, एक तो रॉकेट की संख्या घट गई होगी, दूसरा उन लोग का भी वो आयरन डोम है तो वो सक्रिय होगा। नहीं सक्रिय तो है बाकी 100% नहीं। 100% कैसे होगा, अगर कई हजारों हजारों तो लॉन्च हो जाएगा चारों दिशाओं से तो क्या करेगा। नहीं उस दिन तो इनका वो सिस्टम जिस एरिया में हुआ वहाँ खराब था, अच्छा अपडेट नहीं किए थे, अब अपडेट हुआ है चारों तरफ। वो उस दिन काट दिए सब, तो अलार्म बजबे नहीं किया, या उस दिन ये लोग जश्न में मस्त थे। हाँ, जश्न मना रहे थे ना, तो बहुत अच्छी तरह से कैसे वो सब योजना बनाए होंगे, पता लगा लिए होंगे कि आज ये लोग थोड़ा मगन अरे रहेंगे। उनका त्योहार हर साल बनाया जाता है, यम किपुर का होता है, एक हफ्ते चलता है, दुकानें उकाने बंद हो जाती है। हाँ, तो जो भी मनाते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान रखें, जब चारों ओर आपके शत्रु ही शत्रु हैं और वे उसी उसी दिन आपके पर हमला भी करेंगे, जिस दिन की आप जो है गाफिल रहेंगे, जिस दिन आप हाँ दे कमजोर बहुत दिन रहेंगे। हो गया था ना इसीलिए ऐसा हुआ। हाँ, क्या कह रहे अब जो होगा समझा जाए। चलिए, जो होना है वो तो दुनिया में हो ही रहा है। दुनिया में लोगों ने बहुत सारे बारूद बना लिए हैं, बहुत हथियार इकट्ठा कर लिए हैं, अब तो उसका प्रयोग का समय आ गया है। मनुष्य के भीतर इतनी उग्रता हो गई है। हाँ, तो वो उग्रता, इतने इतने लालच हो गए हैं, इतने तरह के लालच हो गए हैं, जमीन चाहिए, संपत्ति चाहिए, इतनी इतनी हर एक व्यक्ति को संपत्ति चाहिए, तो अब तो लड़ाई तो होना ही हो रहा है। हाँ, जब इसमें से कुछ करोड़ लोग मरेंगे ना, तब थोड़ी सी बुद्धि जो है थोड़ी आएगी। अभी तो कुछ लाखें लोग मरे हैं, रूस और यूक्रेन में 2-3 लाख लोग मरे होंगे। हाँ 2-3 लाख लोग मरे होंगे, इसमें भी 30-40 हजार इसमें भी खत्म होंगे, पाकिस्तान तालिबान में भी कुछ हजार खत्म होंगे, इसी तरह से धीरे धीरे वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास जब मरने की संख्या जाएगी, तब जा करके गर्मी ठंडी होगी।